Alright, what's going on, my loveliest and dearest people out there? Welcome to Just Padle. और I know थोड़ा सा late है, उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वीडियो काफी पहले रिकॉर्ड हो चुका है, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि अपलोड कब होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे वीकेंड्स और बहुत सारे टीम के मेंबर्स अवेलेबल नहीं है, तो उसके कारण थोड़ा सा डिले हुआ है, बट ऐप का काम जो है वो चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हेरॉन्स फॉर्मूला। तो जितने लोग नए हो, अगर तुम पहली बार आए हो, तो भाई मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि यहां पर जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स नहीं है, वो मस्ती मजाक है, वो सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। तो तुमको जो 30-40-50 मिनट एक घंटे का जो लेक्चर होगा, तुमको ऐसा लगेगा नहीं कि भाई ये लेक्चर है, ऐसा लगेगा सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, और ऐसे इधर उधर की बात बात में हमारा चैप्टर भी हो गया एज अ बाय प्रोडक्ट। तो वो फील तुम लोगों को यहां पर देखने को, जो कि शायद टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कहीं और देखने को नहीं मिलती है। तो अभी के लिए मेक श्योर अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर तुम ऑलरेडी इस चैनल पे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भाई मैथ्स का जो लेक्चर है वो आ चुका है, लेक्चर बोल दिया मैंने, बट एनीवे जो भी है। और साथ में 100K सब्सक्राइबर्स हमको बहुत जल्दी हिट करना है चैनल के ऊपर, तो उसके लिए भी बहुत जल्दी तैयारी करनी है हमको। तो 75,000 सब्सक्राइबर्स हम जल्दी से हिट करना चाहते हैं, ताकि फिर 1,00,000 का माइलस्टोन डायरेक्टली हिट कर पाए, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट चैनल्स हो जाएगा क्लास 9th का हिस्ट्री में YouTube के ऊपर, जो कि 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाला। तो ये सब तुम लोगों का जो प्यार है वो यहां पर आएगा। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले बहुत ही निहायत ही प्यारा और क्यूट चैप्टर, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं पर्सनली, जिसका नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला। देखो इस चैप्टर के अंदर सच्ची में कुछ नहीं है, मतलब मैं कोशिश ये करूंगा कि 10-15 मिनट में चैप्टर कंप्लीट कर दें, क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे जल्दी पढ़ा के भागना है, कहीं कोई इंपॉर्टेंट काम करने आ रहा है, यही मेरा काम है जो मैं कर रहा हूं, बट इसीलिए क्योंकि चैप्टर सच्ची में बहुत क्यूट है और बहुत छोटू सा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। उसके पहले मेक श्योर अगर तुमको नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं, हैंड रिटन मटेरियल डाउनलोड करना, तो तुम कर सकते हो। साथ में अगर तुम लोगों ने अभी तक पढ़ ले कि ऐप इंस्टॉल नहीं किया, तो मेक श्योर कि ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि बहुत सारी एक्सक्लूसिव चीजें हैं जो कि सिर्फ ऐप पे अवेलेबल होती है। तो मेक श्योर कि तुम ये ऐप भी डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर से तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुम लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया @padle.in को, तो padle.in को भी जाकर फॉलो कर लो फटाफट, 15,000 फॉलोअर्स का टारगेट वहां पर है। और साथ में अगर तुमने मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो, 7,000 फॉलोअर्स मीट करना है, और जल्दी से 10,000 फॉलोअर्स का भी टारगेट हम अचीव कर लेंगे। तो @conpranay फटाफट जाके फॉलो करो, अभी ही कर लो, और @padle.in जाकर फॉलो कर लो, ठीक है। मटेरियल तुम लोगों को पता है कहां से मिलेगा, और बस स्टार्ट करते हैं चैप्टर बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही क्यूट तरीके से, जितनी जल्दी और जितनी अच्छी तरीके से हम कर पाए चैप्टर को उतनी अच्छी तरीके से करेंगे। चैप्टर का नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला। ये हेरॉन्स है, ठीक है, ये हीरोइन नहीं है, ठीक है, जो पिक्चर का नाम था एक, वो नहीं है ये, ठीक है, ये है हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इस फॉर्मूला दिया है, जिन्होंने इस फॉर्मूला को दिया है, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया हेरॉन्स फॉर्मूला। अगर मैं देता तो रख देता प्रणय फॉर्मूला, पर प्रणय इतना अच्छा लगता नहीं, पर अच्छा हो कि नाम चलो हेरॉन्स फॉर्मूला, थोड़ा सा हीरोइक लगता है। तो ये है भैया सबसे ज्यादा हीरोइक फॉर्मूला। क्यों सबसे ज्यादा हीरोइक फॉर्मूला है? क्योंकि ये एक फॉर्मूला है और ये तुम्हारा पूरा चैप्टर सम अप करता है। मतलब ये तो खैर तुम्हारी अभी एमसीक्यू एग्जाम आने वाली है तो इसका वेटेज अलग है, बट पहले के टाइम पे क्या होता था कि 5-6 नंबर के आसपास का क्वेश्चन आता था इस चैप्टर से। मतलब क्या होता था कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर का, और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता था, मतलब 6 नंबर तुम्हारे फ्री के होते थे, क्योंकि इस चैप्टर में सच्ची में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैं तब बता रहा हूं जब सारे चैप्टर आ रहे होते थे, अभी तो फिर भी टर्म 1 टर्म 2 में अलग अलग आएगा। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्या है इस क्यूट लिटिल चैप्टर के अंदर, क्या क्या है, बस इतना ध्यान रखना है कि भाई इस चैप्टर के अंदर हमारे पास हेरॉन्स फॉर्मूला एक फॉर्मूला होगा। देखो बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं, अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा तो बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। मात्र एक फॉर्मूला है इसके अंदर, उस फॉर्मूले का उपयोग करके हम ये 3 चीजें कर सकते हैं। क्या 3 चीजें कर सकते हैं? हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। बेसिकली हेरॉन्स फॉर्मूला किस लिए बनाया है? ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो, हेरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर का मतलब ये है कि हमको ट्रायंगल त्रिकोण यानी कि जो ऐसा दिखने वाला फिगर है उसका एरिया निकालना है। इसकी दूसरी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला इन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो है उसमें कुछ कुछ एप्लीकेशन रहेगी, और वर्ड प्रॉब्लम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, फिर पैरीमीटर वगैरह इस टाइप की चीज होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखो कि हेरॉन्स फॉर्मूला का, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं तुम लोगों को, ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ना उनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि जो हेरॉन्स फॉर्मूला है इसका उपयोग हमको ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए करना है। और क्वाड्रिलेटरल का कैसे कर सकते हैं? देखो भाई बहुत सिंपल सी चीज अभी बताता हूं, मैं ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा तुम लोगों को। जैसे मान लो लेट से कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है ना, रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल है, कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट रोम्बस ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं हर क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं उसके डायगोनल्स जोड़ दूं तो मैं इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकता हूं ना। तो अगर मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला जिससे मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं, तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकल गया, दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकल गया, और दोनों को ऐड अप कर दिया तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल गया। अब अदरवाइज तो इसका कोई तरीका नहीं था भाई, ऐसे तो करने बैठता तो बहुत दिमाग खराब हो जाता। मान लो ऐसा कोई रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इसको कैसे करते हैं? तो इसको हमने क्या किया, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया और ऐसा कर लिया हमने, ठीक है। तो ये चीज है कि हमेशा हम 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, हां सही था, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब देख लेते हैं भैया ये जो हेरॉन्स फॉर्मूला जिसकी इतनी चर्चा हो रही है ये क्या है, व्हाट इज हेरॉन्स फॉर्मूला, ये क्या है, क्यों है, किसका है, कब है, कैसे और कहां है। तो कुल मिला के क्या का मतलब ये हुआ कि द हेरॉन्स फॉर्मूला इज दिस,
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बस इतनी सी बात ध्यान रखो, ये फॉर्मूला तुमको कंफ्यूजिंग लगे तो बिल्कुल नहीं, मैं तुम लोगों को अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा उसको याद करने की, कुछ भी नहीं करना, मात्र ये फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला तुमने अगर लगा दिया तो तुमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। ठीक है, तो क्या है ये, तो ये समझ में आ गया क्यों है भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, किसका है, मिस्टर हेरोन ने दिया था कब, अब वो तो दिया होगा कभी भी, उस काम को क्या लेना देना, कैसे वो उन्होंने सोचा होगा यार मैं कैसे करता हूं, वो तो मैंने एक्चुअली क्या वो कर्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब डाल दिए यहाँ पे, अभी मुझे भी लग रहा है कि ये सब मैंने क्या डाल रखा है यहाँ पे। ठीक है, और कहां कहीं भी बना होगा, पर इसका हम उपयोग सब जगह कर सकते हैं। तो भाई ये जो लिखा भाई, आप बोलेंगे भैया अरे ये एस ए बी सी डी क्या लिख दिया आपने, देखो कुछ भी नहीं है, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं भाई। पेरीमीटर पता है क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है भाई, जैसे कोई भी फिगर है, जैसे मान लो ये पेंटागॉन भी है या हेक्सागॉन कुछ भी फिगर है, तो उसके जो भी बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स की लेंथ को ऐड कर दो तो पेरीमीटर मिल जाता है। जैसे सर्कल है तो सिर्फ बॉर्डर की लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं, या मान लो कि कोई ऐसा पेंटागॉन है, ठीक है, तो इसकी जो बॉर्डर्स की लेंथ यानी कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये सब मिला के ऐड अगर मैं कर दूं तो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर। तो सिमिलरली किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का एडिशन, और सेमी पेरीमीटर भाई सर्कल क्या होता है पूरा, और सेमी सर्कल मतलब उसका आधा, तो वैसे ही पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। तो लेट से कि भाई ये ट्रायंगल है कोई, है ना, ये ट्रायंगल है और इसकी जो तीन साइड्स हैं वो है ए बी सी, तीन साइड्स की लेंथ एबीसी है, ठीक है, लेंथ ये एबीसी जो है ना, ये नाम नहीं दिया हमने, ये लेंथ है, ठीक है, ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर, ऐसा, ठीक है, तो ये तीन लेंथ है। अब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताओ भाई, तीनों बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड कर दो, सिंपल है भैया, तो आता है हमको बहुत ही बढ़िया, ए प्लस बी प्लस सी। अब मैंने क्या बोला भैया, एस जो है वो है सेमी पेरीमीटर, तो इसको मैं कर दूंगा डिवाइडेड बाय टू, तो ये मेरे पास में आ गई एस की वैल्यू। तो जो एस सबसे ज्यादा घबराता है, अरे भैया एस क्या है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ नई चीज लेके आ गए आप, एस फोर क्या होता है, तो एस ये होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, तीनों साइड्स को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय टू कर दिया, और ए बी और सी तो हमको पता ही है क्या है, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड ए, लेंथ ऑफ साइड बी और लेंथ ऑफ साइड सी, ये इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से हमको समझ में आ गई। अब मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ कि भैया हमारे पास में ये देखो एम्प्टी स्लाइड मैंने इसलिए रखी ताकि मैं कुछ दिल की बातें तुमसे कर पाऊं, तो दिल की बातें कुछ ऐसी है कि भैया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा एक फॉर्मूला हमको पता था बचपन में, तो फिर ये नया फॉर्मूला ईजाद करने की जरूरत क्या पड़ी। अरे मेरे भाई, ये जो फॉर्मूला था ये मात्र राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के लिए हुआ करता था, ठीक है, मतलब जहां पर बेस होगा और हाइट होगी, अब हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर ही है, या फिर अगर कोई और ट्रायंगल भी होता तो तुमको उसकी पहले हाइट निकालनी पड़ती और फिर उसकी बेस की लेंथ निकालनी पड़ती, तो ये तो बहुत ही दिमाग खराब करने वाला काम था, मतलब दिमाग खराब करने वाला काम नहीं था, बट इसमें क्या होता था कि तुमको और चीजों की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। अब लेट से कि कोई स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल समझ में आता है ना, जो कि बिल्कुल ऐसा अजीब सा ट्रायंगल है जिसका कोई साइड से कोई लेना देना नहीं, कोई रैंडम एंगल्स है, कुछ भी एंगल्स है, कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं है, कोई आइसोसेलिस नहीं, मतलब कोई साइड इक्वल नहीं है, पता है ना भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलिस मतलब दो साइड इक्वल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक साइड राइट एंगल, और एक होता है स्केलन जिसमें कोई इक्वल नहीं है, सब अपने हिसाब से उल्टी सीधी साइड्स बनी हुई है। तो मान लो कोई इस टाइप का ट्रायंगल होता तो इसमें कहां तुम इसकी हाइट निकालने जाओगे, मतलब मान लो मुझे इसकी हाइट निकालनी है, तो पहले तो भाई मैं यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, फिर उसके बाद ये निकाल लूं 90 डिग्री पे इसकी हाइट क्या हो रही है, फिर ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इतना दिमाग हमको नहीं लगाना था, ठीक है। तो इसीलिए जो हेरोन्स फॉर्मूला है इतना प्यारा फॉर्मूला इसीलिए है क्योंकि ये ट्रायंगल्स जैसे अभी ये जो फॉर्मूला है इसको भाई हाइट की जरूरत पड़ती है, बेस की जरूरत पड़ती है ना, और हमारा जो हेरोन्स फॉर्मूला उसकी खासियत है कि ये कुछ भी देखता नहीं है, ये सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला तुम्हारे आइसोसेलिस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल के देगा, इक्विलेटरल का भी एरिया निकाल के देगा, और राइट एंगल का भी निकाल के देगा, और स्केलन ट्रायंगल का भी एरिया निकाल के देगा। तो कोई भी रैंडम ट्रायंगल होगा, रैंडम से रैंडम भी ट्रायंगल होगा तो भी उसका एरिया तुम इस हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तुमको बस तीन साइड्स की लेंथ चाहिए और कुछ भी नहीं, बस लेंथ चाहिए, ठीक है, लेंथ के अलावा और कोई हाइट भी नहीं चाहिए, कोई एंगल भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस तीनों साइड चाहिए और तुम इसको निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है, इतना बहुत सिंपल सी चीज है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, कुछ भी नहीं भाई, अंडर द रूट लगा दो, ठीक है, लिखते जाओ एस एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी कर दो, फिर एस माइनस सी कर दो। अब हालांकि मैंने, अब बोलोगे भैया आपने वही की वही चीज लिख दी यहाँ पे, तो भाई हाँ वही की वही, पर इसको याद करना आसान है, मतलब इसको एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा, बच्चा क्या इसमें, देखो पहले एस लिख दो, फिर एस में से ए हटा दो, फिर एस में से बी हटा दो, फिर एस में से सी हटा दो, सिंपल, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और तीनों को मल्टीप्लाई करना भाई, गलती से यहां पर ऐड मत कर देना कि एस प्लस एस माइनस ए, ऐसा गलत सलत हो जाएगा पूरा, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना और सिंपल तरीके से फॉर्मूला तुम्हारे यहां पर आ जाएगा। एस ध्यान रखना क्या है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अब तुमको देखने में लग रहा होगा अरे भैया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू तो बहुत ही खतरनाक सी चीज है, कोई खतरनाक सी चीज नहीं, अभी एग्जांपल से बताऊंगा तो सब समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि भाई जैसे मैंने बताया, अब देखो क्या होता है जनरली मेरे साथ में एक समस्या है कि मैं भावुकता में
सब कुछ पहले बता देता और वो स्लाइड्स बाद में आ रही होती है, जैसे ये वाली चीजें मैं अभी बताने की थी पर मैंने भावुकता में पहले बता दी, पर कोई बात नहीं, इतना चलता है, ठीक है। इतना रॉ ही रखना चाहिए, मैं ऐसे ज्यादा ऑफिशियल रखना नहीं चाहता हूं यहां पे कि भाई बहुत ही ऑफिशियली पढ़ा रहा हूं आके कि भाई यार स्टूडेंट्स दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 लर्न दिस एंड गो होम, वैसा कुछ काम नहीं है, ठीक है। बढ़िया दोस्ती वाला माहौल है तो वैसे ही रखते हैं इसको हम। कहां कहां हम इसका उपयोग कर सकते हैं? एवरीवेयर वेयर देयर इज अ ट्रायंगल, जहां भी कोई ट्रायंगल बन रहा है तो मैं वहां इसका उपयोग कर सकता हूं। जैसे लेट से फॉर एग्जांपल किसी क्वाड्रिलेटरल में, जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल या फिर हाँ चलो ठीक है क्वाड्रिलेटरल बना लिया है ना, एक सेकंड रुक जाओ, अभी ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब एक क्वाड्रिलेटरल को ऐसा ढंग का सा तो है नहीं भाई, ना तो स्क्वायर दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूं, लेट से कि मेरे पास में इन चारों साइड्स की लेंथ है, लेट से कि इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है बी, इसकी लेंथ है सी और इसकी लेंथ है डी। ये ए बी सी डी मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो भाई ऐसे किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना तो मुझे नहीं आता भाई, एक बार स्क्वायर होता तो मैं निकाल देता कि साइड का स्क्वायर है ना, एक बार रेक्टेंगल होता तो मैं लेंथ इनटू ब्रेडथ कर देता। अब ये तो भाई अजीब सा ही है, इसका क्या करें? तो इसमें तुम बस इतना सा करो कि भाई देखो हमको ये तो दिख रहा है, अभी मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में ऐड कर सकता हूं, मैं कोई भी दो डायगोनल्स जोड़ देता हूं, ठीक है। लेट्स से मैंने ये दो डायगोनल्स जोड़ दिए है ना, ये दो डायगोनल्स जोड़ दिए, तो अब मेरा जो पूरा का पूरा ये है, ये दो उसमें डिवाइड हो गया, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, ठीक है। अब मैं ए और बी दोनों जो ट्रायंगल्स है बड़े बड़े, इन दोनों का एरिया निकाल सकता हूं। अब एरिया निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी ये डायगोनल की लेंथ की। अब जो डायगोनल की लेंथ है ये कैसे तुम निकालोगे, अब ये देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होगा कि ए और बी बराबर होगा और तुमको कहीं ना कहीं से सी बी कुछ ये वाली लेंथ भी बराबर मिलेगी, मतलब एक्जैक्टली कुल मिला के ये है कि तुम लोगों को खुद को दिया होगा, ये तुमको आइडेंटिफाई ऐसे मेजर नहीं करना, किसी ना किसी फंडे से तुमको ये तीसरी लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे फंडे से मिलेगी वो तुम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुमको समझ में आता जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि भैया क्वाड्रिलेटरल के साथ में हम एरिया निकाल सकते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर, क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री टेंथ में आ गया, भावुक हो गया मैं, फिर से भावुक हो गया, चलो नाइन्थ पे आता वापस। जैसे हमारा नाइन्थ के अंदर चैप्टर है, बहुत सारे हैं, कुछ कुछ डिफिकल्ट चैप्टर मैथ्स के अंदर, तो उसमें कैसे होता है कि क्वेश्चन सर मॉडरेट और थोड़े से डिफिकल्ट या इजी, मतलब जनरली सारे क्वेश्चन इजी हैं, बट आउट ऑफ ऑल द चैप्टर्स जो कि तुम्हारे टर्म वन, मतलब तुम्हारी जो पूरी मैथ्स की किताब है, उस पूरी किताब में से सबसे आसान चैप्टर अगर कोई है तो वो ये हेरॉन्स फॉर्मूला है, ये मेरी गारंटी है, मतलब मेरे हिसाब से तो यही है, बाकी तुमको कोई और लगता हो तो वो भी हो सकता है, बट इस चैप्टर में सच्चे में भी कुछ नहीं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल, ठीक है। क्या बोल रहे थे, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 56 52 एंड 60, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। तो एरिया निकालना है हमको इसका, कुछ भी नहीं करना भाई, मैं भी रॉ कर रहा हूं तो हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा घबराना मत, ठीक है। चलो तो भाई ए साइड हो गई हमारी 56 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भाई यूनिट्स लिखते जाना। बी हो गई 52 सेंटीमीटर, ये लिखते जाओ भाई, कभी भी है ना बिना लिखे मत करना, अगर मैं लिख रहा हूं मतलब कुछ तो होगा काम का, वरना मैं तो रफ वर्क कर सकता था ना यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया, अब सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, यानी कि 56 प्लस 52 प्लस 60 अपॉन टू, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा 108 और 60 कितना हो जाएगा 168, और 168 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 84। चलो बहुत बड़ा, तो सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास में 84 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू क्या था हमें पता है, अंडर द रूट 84 है ना, एस एस माइनस है, अब एस माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा 84 माइनस 56। अब तुम बोला भैया इसको किस ऑर्डर में लिखना, मतलब एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी लिखें कि एस माइनस बी एस माइनस ए, कुछ भी लिख सकते हो भाई, ए इंटू बी और बी इंटू ए, बात तो एक ही हुई ना, 3 2 6 होता है और 2 3 भी 6 होता है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, तो ये हो गया 84 माइनस 56, फिर हो गया 84 माइनस 52, फिर तीसरा लॉ हो गया 84 माइनस 60, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा 84, तो अब देखो ये आ गया यहाँ पे, अब इसको क्या हम पूरा मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, नहीं भाई मल्टीप्लाई करने मत बैठना, क्योंकि अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये ट्रिक बता रहा हूं मैं तुमको, ये एक फंडा है मेरा, किसी का भी हो सकता है, पर ये ट्रिक बता रहा हूं कि भाई इसको सीधे मल्टीप्लाई करने में बैठ जाना, हम कभी भी नंबर पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एट द एंड तुमको स्क्वायर रूट से बाहर ही निकालना है। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का एक फंडा होता है, अगर तुम लोगों को नहीं पता है, तो जैसे कि मान लो अंदर मेरे पास में आ रहा है 8, तो मैं 8 को कैसे बाहर निकाल सकता हूं, मैं इसके प्राइम फैक्टर्स देखूंगा, या प्राइम फैक्टर्स की बजाय ऐसे फैक्टर्स देखूंगा जो मुझे दिख रहा है कि रिपीटेड आ रहे हैं, जैसे 8 के अंदर मुझे पता है कि 2 × 2 × 2 आ रहा है ना, तो 2 2 4 2 8, तो जो भी दो बार आ रहा है अंदर उसको मैं निकाल के बाहर एक बार लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2√2, है ना। ऑब्वियसली बात है भाई, ये ऐसे होता है जैसे कि अब अगर मैं इसको दूसरी भाषा में देखूं तो क्या हो जाता है, अंडर द रूट 4 × 2 हो जाता, अब मुझे पता है कि भाई 4 का स्क्वायर रूट 2 होता तो 2√2 हो जाता है ना। इसके बजाय तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, अंदर तुम्हारे पास में अगर जो भी नंबर रिपीटेड आ रहा है, मतलब दो बार या तीन बार, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर दो दो के पेयर को तुम बाहर निकाल सकते हो, मतलब जहां दो बार नंबर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के अंदर हो रहा है तो बाहर सिर्फ एक बार आएगा, ठीक है। तो जैसे ये है, तो इसके अंदर ए 4 बार है, तो बाहर कितनी बार आएगा, 2 बार, क्योंकि ये a इंटू ए बाहर आके सिर्फ a बचेगा, और फिर ये जो a इंटू ए था ये भी बाहर आके सिर्फ a बचेगा, तो रूट के अंदर फिर कुछ भी नहीं बचा, मतलब a और a बाहर आ गया,
तो ये ए स्क्वायर हो गया। मतलब देखो अगर तुम इसको ऐसे देखो तो ये अंदर था ए टू द पावर 4 और स्क्वायर रूट क्या मैंने, तो ए टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ए ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि अगर तुम लोगों को नहीं पता है, फिर से बता दो, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो एक्चुअली स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 कर देना, ठीक है, पावर क्या कर देना 1/2 कर देना। तो ये इसका मैं ऐसा भी लिख सकता था ए टू द पावर 4 टू द पावर 1/2, मतलब पावर 1/2 करना मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। तो कुल मिला के इतना दिमाग नहीं लगाना, कुल मिला के उस इतना दिमाग लगाना कि हम जितनी आसान तरीके से छोटे छोटे नंबर बाहर ला सकते हैं, बड़े बड़े नंबर प्रेफरेबली बाहर आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा के इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम बाद में दिमाग ना लगाओ। जैसे 24 है तो मुझे पता है क्या होता है, 6 4 से 24 है ना। अब 6 4 से 24 को और कैसे देख सकता हूं मैं, 8 3 से 24 पर लेट्स से 6 4 से 24 हो रहा है ना। अब अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से देखूं तो 24 को कैसे कर सकता हूं मैं, 2 2 4 2 8 3 24 है ना, मतलब 2 2 2 और 3 तो 2 2 4 बाहर आ रहा है। या फिर और अगर अच्छी तरीके से वापस से देखना तो 6 4 से 24 होता है तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो तो बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ मतलब 4, देखो समझो इस बात को, मैं तुमको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। यहां पर एक तो जगह नहीं है तो मैं जगह बना के दूसरी जगह लिखता हूं। देखो क्या है भाई, 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, या सारे नंबर्स को देखते हैं ना, सारे नंबर्स को देखो, 84 क्या दिख रहा है हमको, 17 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 84 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, नहीं मिल रहा है, मतलब इसको परफेक्ट तो है नहीं 84 17। तो चलो 28 को देखते, तो 28 क्या है, 7 4 से 28 है ना, और 24 क्या था, 6 4 से 24। तो अगर मैं देखूं तो देखो ये तो तुमको प्रैक्टिस के साथ आएगा, ठीक है, मैं इतना कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है इस बात की। तो अब 28 को मैं ऐसे लिख सकता था, कैसे लिख सकता था, 4 into 7, ठीक है, और 32 को लेट से कि 32 को कैसे लिखें, 8 4 32 लिख दूं है ना, 8 4 32 लिख देता हूं, तो 8 into 4 32, और 24 को कैसे लिख सकता हूं, 6 into 4 है ना। अब देखो ध्यान से देखो, या फिर एक काम करते हैं यहां पर, अब इसको ना 8 into 3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम इसको, 8 3 24। अब मैंने 8 क्यों लिखा, मैंने 8 इसलिए लिखा क्योंकि देखो 2 8 का पेयर मिल गया तो भाई बाहर एक 8 आ गया, ठीक है, फिर 2 4 का पेयर मिल गया है ना तो बाहर एक 4 आ गया, तो अब अंदर क्या क्या बचा, 84, ये 4 तो बाहर निकल गया तो सिर्फ 7 बचा, फिर यहां से 8 बाहर निकल गया, सॉरी यहां से 8 और 4 दोनों बाहर निकल गए है ना, तो ये तो पूरा का पूरा 8 into 4 बाहर ही हो गया, ये 4 भी बाहर हो गया, और ये जो बचा हुआ 8 है, सॉरी मैं इसको हाईलाइट करके बताता हूं, जैसे कि देखो ये वाला जो 4 है और ये वाला जो 4 है, ये 4 और ये 4, ये दोनों बाहर आ गए एक 4 बन के है ना, फिर ये 8 और 8 दो बार थे तो ये भी बाहर आ गया, तो यहां पे ये वाले टर्म में से क्या बचा, सिर्फ 7 बचा, ये वाले टर्म में से तो दोनों ही बाहर आ गए और ये वाले टर्म में से सिर्फ 3 बचा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3, यहां पर मैं क्या लिख देता हूं 3, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब क्या हो गया, 8 4 32 बाहर और अंडर द रूट में 84 इंटू 7 इंटू 3 है। अब 84 को तुम सिंपल तरीके से देखो तो क्या लिख सकते हो, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 2 32 2 64, तो ये तो 84 से ऐसे नहीं आ रहा, 84 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 84 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाता है मेरे पास में, हमको पता है 42 हो जाता है, और 42 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है, तो वैसे तुम कर सकते हो इसको 2 से और तोड़ सकते हो, तो लेट से मैं इसको लिख दूं 2 into 42 को भी 2 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 21, तो 2 into 2 into 21 है ना, 21 into 4 हो जाएगा 84, सिंपल सी बात है, into 7 into 3 है ना। अब देखो 2 और 2 की जो जोड़ी है, ये 2 और 2 की जो जोड़ी है ये वाली, ये बाहर आ जाएगी, तो बाहर आने के बाद ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 32 into 2। अब अंदर देखो 21 into 7 into 3, अब तुम ध्यान से देख पा रहे हो कि 7 3 का क्या होता है 21, ठीक है, तो मैं अगर इसको 21 लिख दूं या फिर 21 को 7 into 3 लिख दूं तो 21 21, मतलब एक तरीके से देखो अगर मैं 21 को 7 into 3 लिख देता तो क्या हो जाता है कि 7 7 का पेयर बन जाता और 3 3 का पेयर बन जाता, तो 7 और 3 बाहर आ जाते हैं। या फिर अगर मैं, अब मुझे दिख रहा है ना इतना तो कि 7 3 से 21 हो रहा है, तो अगर मैं 7 3 से 21 करके यहां लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, अंदर मेरे से 21 और 21 का पेयर बन जाएगा, तो इनमें से क्या होगा कि 21 बाहर आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 32 into 2 into 21, तो रूट जो है वो गायब हो चुका है और अभी हमारे पास में आंसर आ गया। अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो सिंपल तरीके से। अब हर बार तुमको रूट के अंदर ऐसा करना पड़ेगा, मतलब तुमको रूट के बाहर लाना है, पर लेट से किसी सिनेरियो के अंदर रूट के बाहर आ ही नहीं सकती चीज, लेट से कि 2√3 ऐसा आंसर आ गया, तो अब रूट 3 को कैसे करें, तो इसमें तुमको कुछ भी नहीं करना, यहां पर तुम छोड़ दो, मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना तुम रूट के बाहर लाने का ट्राई करो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाली है, तो इसमें तुम्हारे पास एडवांटेज ये है कि तुम सब नंबर्स को स्क्वायर करके तुम देख भी सकते हो कि क्या स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो वो भी एक ट्रिक अपना सकते हो, बट यहां पर यह है कि तुमको इसको पूरा सॉल्व करने की नहीं है, जितना तुमको लग रहा है कि 4 ऑप्शंस में से जहां आ पा रहा है तुम्हारा आंसर उतना ही सॉल्व करो, पूरा भी तुमको रूट से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, एक दो टाइप के क्वेश्चंस और कर लेते हैं। फाइंड द एरिया, मैं अब तुमको सिर्फ फंडा बताऊंगा कि फंडा क्या उपयोग कर रहा है, मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 8 एंड 11, देयर पेरिमीटर इज 32। भाई पेरिमीटर हमको पता है P = 32,
एक सेकंड, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। पेरीमीटर मुझे पता है कि भाई पेरीमीटर है 32 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है दो साइड्स क्या है, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली तीसरी साइड क्या होगी, लेट्स से तीसरी साइड को मान लेता हूं x, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 11 प्लस x किसके बराबर होना चाहिए, पेरीमीटर के बराबर, पेरीमीटर दिया 32, सिंपल सी बात है, तो ये 32 आ गया, तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू क्या जाएगी 32 माइनस 19 है ना, तो यहां से मुझे x मिल जाएगा। अब मुझे x मिल गया मतलब मेरे पास में तीनों साइड्स आ गई, पहली साइड 8 है, दूसरी साइड 11 और तीसरी साइड यहां से मिल जाएगी, और जो सेमी पेरीमीटर है वो तो मैं डायरेक्टली यहां से निकाल सकता हूं, मतलब तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करो या फिर डायरेक्ट पेरीमीटर का सेमी कर दो, तो क्या हो जाएगा ये सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू p बाय 2 माने पेरीमीटर बाय 2, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 32 बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 16। अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला में डाल के, बहुत ही बढ़िया। फिर एक और क्वेश्चन है, अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर 80 मीटर एंड, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, ठीक है, 120 80 एंड 50, अ गार्डनर धनिया, धनिया नाम है गार्डनर का, बहुत ही बढ़िया, हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रीन प्लांट ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, ओके, हाउ मच एरिया डज द डज शी नीड टू प्लांट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, ओके, तो फेंसिंग, फेंसिंग की क्वेश्चन, तो फेंसिंग जब भी तुमको लिखा हो वर्ड फेंसिंग मतलब समझ जाओ कि पेरीमीटर है, क्योंकि फेंसिंग जो है वो हम बॉर्डर बॉर्डर पे करते हैं, ठीक है, और उसने क्या बोला कि उसको घास भी उगानी है, ठीक है, उसको क्या करना है, शी ऑल्सो हैज टू प्लांट ग्रास, ठीक है, तो अगर घास उगानी है और घास की भी कॉस्ट दी होती, क्योंकि यहां पर सिर्फ फेंसिंग की कॉस्ट दे रखी है, अगर घास भी उगानी होती तो घास के लिए एरिया निकालना पड़ता, बट यहां पर एरिया निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि घास के लिए कुछ दिया नहीं है, ठीक है, अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑन अ प्लांट ग्रास इनसाइड हाउ मच एरिया, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, ओके, यहां पर दिया ना एरिया का पूछा हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया। अब एरिया निकालना तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड से वही एरिया निकाल सकते हो, और जो फेंसिंग की कॉस्ट है, फेंसिंग की कॉस्ट में क्या होगा कि जो 120 मीटर वाली साइड है इसमें तुमको ये 3 मीटर माइनस कर देना है बस, मतलब जो तुम्हारा पूरा का पूरा 120 मीटर वाली साइड थी उसको तुम 117 मीटर मानो, क्यों मानो, क्योंकि भाई 3 मीटर तो गेट है, तो 3 मीटर का जहां पे गेट है वहां पर तो फेंसिंग करनी नहीं है, तो बचा हुआ जो एरिया, मतलब एरिया नहीं सॉरी, बची हुई जो लेंथ है जो भी होगी 120 प्लस 50 प्लस 80 माइनस 3, इसको तुम 20 से मल्टीप्लाई कर दो 20 पर मीटर, तो तुमको कॉस्ट मिल जाएगी फेंसिंग की, बहुत सिंपल है भी, ठीक है। चलो अब ये देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, रेशियो वाले क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, तुमको जो साइड्स का रेशियो दे रखा है तुम बस बोल दो कि जो साइड्स है उनकी लेंथ है, तीनों को किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेट्स से पहली साइड यानी कि लेंथ ऑफ साइड 1 क्या मान लो 12x मान लो, दूसरी साइड की लेंथ मान लो, दूसरी साइड की लेंथ मान लो 17x, किसी भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 12k 17k 25k, x से मल्टीप्लाई करो तो 12x 17x और 25x, इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है, और ये हो जाएगा 25x। अब तुमको क्या लगा कि पेरीमीटर इतना है, तो ऑब्वियसली बात है भाई तीनों की लेंथ अगर मैं ऐड करूं तो ये तुमको एक इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 540 है ना, तीनों की लेंथ ऐड की तो 540 मिल गया। अब यहां से तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी है ना, x की वैल्यू मिल जाएगी, जो x की वैल्यू मिली उसको तुम यहां पे पुट कर दो वापस से, तो तुम्हारे पास में एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी साइड 1 साइड 2 और साइड 3 की, और फिर तुम एरिया निकाल सकते हो, बहुत ही बढ़िया। अब ये है, इसके अंदर क्या है, देखो ये रोम्बस है, तो ये अगेन इसमें यही चीज हुई, इसमें ये चीज हुई कि रोम्बस है तो हमने क्या किया, डायगोनल मिला हमको, अब इस डायगोनल के थ्रू हमने क्या किया, देखो वन ऑफ द डायगोनल्स दे रखा है, तो अब इस डायगोनल के कारण हमने दो ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर लिया, और दो ट्रायंगल से फिर हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालो प्लस इसका एरिया निकालो, काम खत्म, ठीक है। फिर एक अलग क्वेश्चन है, अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ टू डिफरेंट कलर्स ईच मेजरिंग 20 50 एंड 50, तो ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, तो कितना क्लॉथ है, देखो ये चाहिए हमको, ये चाहिए हमको, तो टोटल एक एक हमको कितना लग रहा है, ठीक है, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, तो अल्टरनेट कलर है ना, अब देखो ध्यान से कि ये अम्ब्रेला है, तो 1 2 3 4 5 और उस साइड भी होंगे उतने, ठीक है, 10 ट्रायंगुलर पीसेस मतलब 5 यहां पे हैं, तो 5 उधर होंगे, यानी कि ये 5 पीसेस जो है, मैं तुमको भाई एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि तुम खुद प्रैक्टिस करो एक बार, ठीक है, मैं तुमको एक फंडा बता रहा हूं, क्या कहना चाह रहा है जीवन से, बस इतना कहना चाह रहा है कि 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ है, ठीक है, जिसमें से 5 जो है वो ब्लू रहेंगे और 5 जो है वो ग्रे रहेंगे, ठीक है, 5 ब्लू हैं और 5 ग्रे हैं, तो हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर मतलब क्लॉथ चाहिए मतलब एरिया निकाल रहे हैं हम, ठीक है, तो एरिया निकाल रहे हो, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक एक ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये इससे निकाल सकते हो तुम, और इससे, अब इससे तुमने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया तो तुम 5 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हो, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना उस एरिया को, और फिर 5 से वापस से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ब्लू वाला कितना लग रहा है और ग्रे वाला कितना लग रहा है, दोनों इक्वली लग रहे हैं, तो तुम एक भी निकालो तो भी तुम बता सकते हो कि दूसरा भी इतना ही लग रहा है, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो विद दिस, इस चैप्टर में मात्र इतना ही है, अगर मैं इस चैप्टर में बताऊं पॉइंट टू बी नोटेड, तो बस इतना सा है कि फॉर्मूला याद रखो, यूनिट्स की गलतियां गलती से भी मत करना, यूनिट जहां मीटर दे रखे हैं मीटर का ध्यान रखना, सेंटीमीटर है तो वहां सेंटीमीटर का ध्यान रखना, जहां पर कॉस्ट पूछी गई है वहां पर इस चीज का ध्यान रखना कि अगर फेंसिंग या बॉर्डरिंग या फिर बाउंड्री वॉल बनाने की बात की जा रही है, ऐसी कुछ बात की जा रही है जो कि सर हम बॉर्डर बॉर्डर पर करते हैं, बाउंड्री वॉल है तो हम सिर्फ बॉर्डर पर करते हैं, फेंसिंग है तो सिर्फ फेंसिंग बाहर करते हैं, फिर लेट्स से कि अगर हमको
वहां पर गेट लगाना है, गेट नहीं सॉरी वॉल लगानी है, वुडन ब्लॉक्स लगाने चारों तरफ, तो वो अलग चीज है। तो ये जो चीज है ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा सोचना लॉजिकली कि हम इस चीज को सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर पे करते हैं या फिर अंदर भी करते हैं। फिर जैसे कि अंदर में अगर तुमको कुछ प्लांट करना हो, ग्रास प्लांट करनी हो या फिर पेंट करना हो, तो पेंट ऑब्वियसली हम एरिया पे ही करते हैं, पेंट सिर्फ बॉर्डर पे नहीं करते। वहां पर लिखा होगा कि पेंट करना पूरे ग्राउंड पे या फिर पूरे के पूरे कोर्ट पे, बास्केटबॉल कोर्ट हो सकता है। ग्रास प्लांट करनी है या फिर लेट से कि कुछ भी शीट कार्पेट बिछाना है, कार्पेट के लिए चाहिए, रूम के लिए चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ऐसी चीजों में एरिया लगाते हैं हम, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना, इसके अलावा इस चैप्टर में खास कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो चैप्टर है वो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आने लगे, थोड़े पेस आएंगे, मतलब अल्टरनेटिव हर तीन दिन में एक वीडियो आ जाएगा, वो तुम लोग देखते रहना। फिलहाल के लिए इतना करो कि भाई जो सब्सक्राइबर्स का जो रेट है, जो ग्रोथ का रेट है, वो थोड़ा सा कम हो गया। मतलब पहले क्या हो रहा था कि हर एक दो दिन में 1-2 हजार सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, बिल्कुल कम नहीं हुआ, थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि वीडियोस भी थोड़े से कम हुए। बट मेक श्योर कि तुम उस ग्रोथ को बरकरार रखो और 1 लाख सब्सक्राइबर्स बाय नेक्स्ट मंथ। ट्राई करते हैं कि हम दिवाली के आसपास तक काफी बड़ा टारगेट अचीव कर पाए। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया मुझे @conprane जाके फॉलो कर लो, और padle.in जाके फॉलो करो। और ऐप डाउनलोड नहीं किया तो एंड्रॉइड ऐप टोटली फ्री है, डाउनलोड करना, बहुत ही छोटी ऐप है, ज्यादा साइज भी नहीं खाएगी, तो मेक श्योर कि तुम उसको डाउनलोड कर लो। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।